व्यूअर्स, जय जगन्नाथ। आज आप लोगों का साथ एक सुपर स्पंजी और रोई जैसे सॉफ्ट आज हम एक डिलीशियस रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम इसे मैंगो से तैयार करेंगे। और देख पा रहे कितने स्पंजी और कितने मुलायम। आज हम इसे घर पर आसानी तरीके से तैयार करेंगे। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, नमस्कार। मामीज किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम एक टोव चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, परफेक्ट मेजरमेंट हिसाब से आप एक कप या बाउल सेट कर ले। मैंने यहाँ पर एक कप ली जिसमें हम 3 कप चावल लेंगे और एक टोव में हमें 1 कप उड़द दाल, जो परफेक्ट मेजरमेंट हिसाब से आप लोग जिसमें 3 बार चावल ले 1 बार डाल ले, इसे अच्छा से और क्वांटिटी बराबर हो जाता है। और डोसा या कुछ भी आप बनाओ, इडली, वो सही बनता है परफेक्ट मेजरमेंट हिसाब से। आप लोग जब भी बनाएं ऐसे 3 कप चावल 1 कप दाल से इसे बनाएं। आप चाहे तो बाउल में भी इसे सेट कर बना सकते। देखिए मैंने यहाँ पर ओवरनाइट भिगो ली थी, आप चाहे तो 6 से 7 घंटा भिगो ले। फिर इसे सुबह मैंने धोकर अच्छा से क्लीन कर ली, फिर इसे हमें एक टोब में डाल देंगे और अच्छा से इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप जब भी डोसा बनाते ऐसे मेजरमेंट हिसाब से बनाएंगे ना, आपका डोसा परफेक्ट बनेगी। फिर देखिए हम एक मिक्सचर जार लेंगे और हमें थोड़ी सी इसमें जो दाल चावल डालकर 1/2 कप इसमें हमें पानी डाल देंगे और इसे हमें एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैंने इसे पीस कर ली, अब मैं दिखाती हूँ। ऐसे हमें कुछ स्मूथ पेस्ट चाहिए। फिर देखिए इसे हमें एक टोप में निकाल लेंगे। अब देखिए वही जार में और 1/2 इसे हमें डाल देंगे दाल चावल और वही प्रोसेस में जो 1/2 कप पानी डालकर इसे भी हम पीस कर लेंगे। अब हमारा जो व्हाइट डोसा बैटर बनकर तैयार हो चुकी, इसे हमें क्या करेंगे, अभी से इसे हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे ताकि हमें आगे और प्रोसेस तैयार करेंगे। इसे हमें स्वाद अनुसार हमें नमक डाल देंगे और थोड़ी पानी डालकर इसे हमें अच्छा से मिक्स कर लेंगे, जैसे हमें डोसा का बैटर बनाते। देख पा रहे इसका जो थिक, आप लोग वही हिसाब से बनाए। फिर इसे हम कवर कर लेंगे, इसे हमें साइड में छोड़ देंगे। अब आइए हमें येलो बैटर बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने 2 मैंगो ली जो अच्छा से पक चुकी, जो मैंगो और बहुत मीठा होता है। मैंने यहाँ पर आपूस आम ली और आप कोई भी आम से इसे बना सकते। हम घर पर जैसे ज़्यादा आम लाते ना, कभी कभी हमें इतना खा लेते तो मन नहीं करते। फिर इसे मैं यूज करते हुए एक अच्छा सा रेसिपी तैयार करूँगी, इसलिए मैंने 2 मैंगो के ऐसे पीसीस में काट ली। उसे भी हमें मिक्सर में जार में डाल देंगे और 3 से 4 टेबल स्पून गुड़ डालकर हमें थोड़ी सी चावल डालकर इसे हमें पीस लेंगे। जैसे स्मूथ पेस्ट तैयार की थी ऐसे हमें इसे स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब इसे हम मिक्सिंग बाउल में एक निकाल लेंगे। देखिए डोसा चावल बहुत जैसे हमारा जो बैटर थोड़े लाइट कलर बन चुकी, इसे हम थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। फिर हमें थोड़ी फूड कलर इसमें डालकर 2 ड्रॉप पानी डालकर इसे हमें अच्छा से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमें जो बैटर हमारा जो मैंगो का सही कलर आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ी फूड कलर ऐड कर दी और इसे हमें अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अभी इसे हमें कवर कर लेंगे और 2 घंटे के लिए हमें इसे रेस्ट होने देंगे। देखिए 2 घंटे के बाद हमारा जो बैटर कितना फूल चुकी, और देखिए ये हमारा 1/2 था अभी भर गई। और फिर इसे हमें अच्छा से मिक्स कर लेंगे और एक मिक्सिंग बाउल में इसे हमें 1/2 निकाल लेंगे।
1/4 टेबल स्पून हमें ग्रीन इलायची पाउडर जो होता है इसे हम डाल देंगे। और मैंने यहाँ पर थोड़े अच्छा टेस्ट आए इसीलिए हमें नारियल का जो बुरा था 2 से 4 टेबल स्पून इसमें डालकर अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो येलो का बैटर अभी ये भी फूल चुकी इसे हमें अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमें इसे कटोरी 4 सेट कर लेंगे जिसमें हमें रेसिपी तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2-2 ड्रॉप ऑयल डालकर इसे हम अच्छा से ग्रीस कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई गैस पे रखकर हमें 2 से 3 ग्लास पानी डाल लेंगे और एक इसे स्टेनर गर्म होने हमें छोड़ देंगे। सॉरी गैस, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि ना मेरे गलती, मैं सोचा हम मेरे रिकॉर्ड हो रहे, मैं इसलिए बैटर येलो वाला बैटर पहले डाल ली। देखिए एक एक स्पून मैंने डाल दी और फिर हमें सारे कटोरी में एक एक स्पून, आप चाहे तो 1.5 स्पून डाल दे, फिर यहाँ पे लास्ट में व्हाइट का बैटर डाल देंगे। मैंने जब शूट किया मैं सोचा मेरे रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, फिर लास्ट में जब मैंने डालने का बाद देखा तो मैंने मेरे गलती वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आप लोगों को बता देता हूँ, आप पहले येलो बैटर डाले, फिर यहाँ पर लास्ट में व्हाइट बैटर डालकर इसे हमें तुरंत जो हमारा पानी में अच्छा उबल आए हाई फ्लेम पे इसे हमें 10 से 15 मिनट तक इसे हम कुक कर लेंगे। देखिए इसे हमें कवर करते हुए 10 से 15 मिनट हो चुकी इसे हमें हाई फ्लेम पे कुक की। और देख पा रहे हमारा जो नई रेसिपी अच्छे से परफेक्ट बन चुकी। इसे हम क्या करेंगे, आप लोगों कैसे पता चले ये अच्छा से बन चुकी, पहले हम एक टूथपिक लेकर इसे हम चेक करेंगे। जब टूथपिक क्लीन आए ना तभी हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा रेसिपी परफेक्ट बन चुकी है। इसे हमें बाहर निकाल कर ठंडा होने देंगे फिर इसे हमें निकालेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बाहर निकाल ली, इसे हमें थोड़े हवा लगने देंगे। सॉरी गाइस, अब ये थोड़े ठंडा हो चुके, इसे हमें एक चाकू लेकर इसका जो किनारे में छोटी छोटी ऐसे हमें कट लगाएंगे जाके आसानी से ये अलग हो जाए। देखिए कितना परफेक्ट और कितने जालीदार हमारा जो रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसे हम ऐसे प्रोसेस से हमें दूसरा भी निकाल लेंगे और सारे इसे हमें अलग कर लेंगे कटोरी से। आप लोग चाहे तो उसका ऊपर का जो खुला हुआ ऐसा काट सकते। देखिए मैंने यहाँ पर 4 कटोरी की निकाल ली, आप लोग चाहे तो इसका ऊपर जो लेयर रहता है ना केक जैसे आप इसे काट सकते, मैंने नहीं काटूंगी। इसे हमें एक दूसरा प्लेट लेकर इसे हमें इसे ट्रांसफर कर लेंगे। देख पा रहे कितना अट्रैक्टिव लग रहा है हमारा जो रेसिपी, इसका जो कॉम्बिनेशन व्हाइट और मैंगो कलर का आप लोग देख पा रहे। और आप लोग खुद जब बनाएंगे ना इतना मज़ा आएंगे ना, आप लोग जब भी खुद ट्राई करें तब मालूम पड़ेगा। यहाँ पर मैंने और एक बाउल में से हमें ट्रांसफ़र कर ली और देख पा रहे कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, वाह। फिर मैंने आप लोगों को इसे काट कर दिखाती हूँ। देखिए हम एक चाकू लेकर इसे हम कट लगा लेंगे इसका बीचों बीच, आप चाहे तो ऐसे बिना कट कर खा सकते, मैंने यहाँ पर इसे काट लूँगी क्योंकि ना ये थोड़े बड़ा बड़े पीसेस। और देखिए सारे हमें इसे कट लगाएंगे, इसे काटने में बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे हम एक जैसे ऐसे हमको लग रहा है। देखिए कितना मुलायम और स्पंजी रोई जैसे सॉफ्ट, देखिए कितने जालीदार, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और इतना सॉफ्ट, आप लोग देखते में मुंह में पानी आ जाएगा। आइए और एक है इसे हम काट लेंगे, सारे पीसेस मैंने इसे काट कर अलग कर ली और इसे हम अच्छा से सजा कर लेंगे।
आप लोग कैसे लग रहा है ये रेसिपी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखे। आई होप एक बार ऐसे ट्राई करें और देखेंगे बहुत मज़ा आने वाले और खाने में भी बहुत टेस्टी। आप लोग ऐसे बनाकर एंजॉय करें और कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर लिखे। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं यहाँ पर और थोड़े काट कर दिखाती हूँ, देख पा रहे कितना जालीदार और रोई जैसे सॉफ्ट। आप लोग भी इसे बनाकर एंजॉय करें और बहुत अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ।